दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट्स पे काम कर रहे हैं और लगभग 19 सेट्स को अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 20वां सेट। इन सभी सेट्स में हम 25 मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, जिसमें पहले मेरा हमेशा कहना आप लोगों से ये रहता है कि हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को आप भी लगाते चलें और एंड में आज जाके आप ये जरूर चेक करें कि आउट ऑफ 25 आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, और उसके बाद ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए और देखिए, आप खुद से देखिए कि आप हर एक सेट के बाद कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। और पिछले 19 सेट्स में हमने बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन किए जो जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आज जो हम लोग 20वां सेट लेकर आए हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कह रहा है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 60% वस्तुओं का जो सीपी है वो आपसे कह रहा है 40% वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये आपसे कह रहा है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो रेशियो बनेगा परसेंटेज से परसेंटेज कट, 20, 30, 60 और 20 × 40, तो रेशियो पलट देंगे तो सीपी 2 और सेलिंग प्राइस 3। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एक का प्रॉफिट हो रहा है 2 पे, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो जो आप बताएंगे वो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 50% का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बहुत आसान सवाल कह रहा है कि 60% का सीपी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको सही कर लेगा कि 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से जो इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50%। देखिए बहुत आसान कि 60% का सीपी बराबर 40% का सेलिंग प्राइस। यहां से आपने देखा तो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो बनाया 20, 30, 60, 20 × 40, सीपी जो बन गया आपका वो बन गया 2 और सेलिंग प्राइस बन गया 3, तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है 2 पे इंटू 100, तो प्रॉफिट का परसेंटेज जो देखने को मिला वो देखने को मिला 50%। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का, और देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी वैल्यूज बहुत अच्छी दे रखी है और काफी वैल्यूज दे रखी है, तो एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे कि कहे क्या रहे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑफ सॉल्व करते हैं, तो जैसे ये वाला ऑफ सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6, उसके बाद जैसे ही माइनस ये ऑफ सॉल्व किया आपने तो ये हो गया 8/15। देखते जाइएगा जो जो चीजें शॉर्ट कर सकते हैं उनको करते जाइए, प्लस ये 4/7, और उसके बाद देखेंगे प्लस ये हो गया 21/2। आप इसमें ओवरऑल अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो ओवरऑल एलसीएम ले लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, तो ये 15 और 7 15 सत्ते 105 और 210 आ जाएगा इसका एलसीएम। जैसे ही आपने इसको 6 से किया तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, ये 35 माइनस 15 से करेंगे तो 15 × 15 और बचा 6 और 15 × 60 = 14, 8 = 112 हो गया ये आपका, प्लस 7 से करेंगे तो 30 × 30 = 120 हो गया, और अगर आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 105, 105 बार जाएगा तो 21 × 105 करेंगे तो हो जाएगा 21 × 105 करेंगे तो हो जाएगा 21 × 5 = 105, बचा आपका 1, 21 × 21 = 22। तो इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 112 में से 120 में 112 घटाया तो 8, 35, 8, 43, 43 जोड़ेंगे 2205 में से, तो 2205 और 43 जोड़ेंगे तो 2248/210। आप इसको 2 से काटेंगे तो ये हो गया 105 और ये हो गया 1124। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि 1124/105? तो चौथा ऑप्शन। देखिए बहुत एक बढ़िया प्रॉपर सवाल जिसमें आप पूरे रूल्स फॉलो करिए और एलसीएम लेके कर लीजिए, आराम से बना ले जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा तो गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर नंबर सही हुआ वो फोर्थ ऑप्शन। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आराम से मैंने जैसे बताया उस तरीके से समझने की कोशिश करिए अगर आप नहीं कर पाए तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड क्या कह रहा है देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 5 घंटे चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है, और स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 3 घंटे चलकर बी पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले 70 की चाल से 5 घंटे ट्रेवल किया उसने, प्लस फिर उसके बाद 66 की चाल से 3 घंटे ट्रेवल किया, तो 350 किलोमीटर इसने यहां पर ट्रेवल किया और 198 किलोमीटर यहां ट्रेवल किया, तो 8, 9, 5, 14,
तीन एक चार एक पांच, तो जिसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की 548 किलोमीटर। तो जिसका सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, देखिए क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा था तीसरा आपको, ये देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2,500 रुपए खर्च किया और इसे 12,300 रुपए में बेच दिया। तो देखिए 18,000 रुपए में खरीदा था उसने और 2,500 रुपए मरम्मत पे लगा दिया, तो 18,000 का खरीदा था और 2,500 रुपए मरम्मत पे लगाया, तो एक्चुअल उसको फ्रिज पड़ा 20,500 रुपए का, 20,500 का पड़ा और उसने बेचा कितने का, 12,300 का। अब 12,300 रुपए का बेचा, इतने का खरीदा तो लॉस हुआ होगा, कितने का लॉस हुआ, जीरो, पांच में तीन गया तो, या यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और यहां से देखिए लॉस कितने का हो रहा, 5 में 3 गया 2 और यहां पे बचा 82, 82 रुपए का लॉस हुआ इसको 205 पे इंटू 100। तो यहां से जैसे ही आप इसको काटने जाएंगे तो 41 का ये डबल और ये 41 का 5 टाइम्स, 5 से काटेंगे 20, 20 दूना 40%, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, इसको 40% का लॉस हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फिर से समझिए, कुछ नहीं करना, 18,000 का खरीदा था, 2,500 मरम्मत पे, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस बन गया वो बन गया 20,500 और जो उसको बेचा गया वो बेचा गया 12,300 रुपए का, तो उसको लॉस हो रहा है 82 का 205 पे, तो ओवरऑल जो उसका लॉस का परसेंटेज आया वो 40%। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आया वो फर्स्ट ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर पांचवे पे, देखिएगा पांचवा क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है रोहित और मनोज के पास 1,320 रुपए। देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ के बनाने की कोशिश करिए, लैंग्वेज पे ही क्वेश्चंस के आंसर डिपेंड करते हैं। कह रहा रोहित और मनोज के पास 1,320 रुपए हैं, तो रोहित और मनोज के पास जो टोटल रुपए हैं वो है 1,320 रुपए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि, तो रोहित का 10/21 जो है वो बराबर दे रखा है मनोज के 5/7 के। तो जैसे ही 5/7 यहां से इनका रेशियो बना ले, 7 × 7 = 21, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो यहां से आपने देखा कि 2 times रोहित का हिस्सा बराबर 3 times मनोज का हिस्सा। तो यहां से जैसे ही आपने देखा तो रोहित का हिस्सा 3 हो गया और मनोज का हो गया 2, तो यहां से टोटल रोहित और मनोज का हो रहा है 5, जिसकी वैल्यू सवाल में हमको पता है 1,320। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, रोहित के पास कितनी धनराशि है, तो 3 units की वैल्यू बतानी है, तो 2 का यहां गुणा करेंगे और 2 का यहां गुणा करेंगे, 10 से 10 काट दीजिए तो 1 unit का वैल्यू आ गया 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। हमको 3 units का वैल्यू बताना है, तो 3 × 4 = 12 हंसे लगा एक, देखिए एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है यही आपका आंसर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 × 4 = 12, यूनिट डिजिट एक में ही 2 दिख रहा था, 3 × 4 = 12 = 18 = 19, 3 × 2 = 6 = 7। तो जो रोहित का हिस्सा आ गया वो आ गया 792 रुपए। बहुत आसान यूनिट डिजिट से आंसर देख के बताया यहां तक करने के बाद, लेकिन आप चाहे तो पूरा आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि एक का यूनिट डिजिट 2 आ रहा था एक ही ऑप्शन का, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। फिर से कह रहा हूं कि बहुत आराम से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, पहले प्यार से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की नीड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर सही हुआ वो सेकंड ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 क्या कह रहा है देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट, मतलब मुझे लग रहा है कि ये अभी तक का सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से 25% अधिक है, तो अगर 25% का मतलब 1/4, अगर बी की आय 4 है तो 4 से 1 ज्यादा, तो ए की आय कितनी होगी, 5। कह रहा ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से, सॉरी बी की आय ए से कितने परसेंट, तो बी की आय ए से कितने कम है, 1 कम है, ए से कह रहा है 5 × 100, तो कितने परसेंट कम है, तो यहां से देखेंगे आप कितने परसेंट कम लिख रही है आपको 20%, तो जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा ये 20% है। बहुत सरल सवाल, लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ऐसे सवालों को बिल्कुल समझिए क्योंकि इनका बड़ा यूज है मैथ्स में। तो यहां तो प्रॉपर सवाल बना के दे रखा है, इसमें तो 2 2 रेशियो बनाने को कह देता है, 3 3 रेशियो बनाने को कह देता है कि ए बी से इतना ज्यादा है, बी ए से इतना कम है, तो इस वजह से इस तरीके के सवालों को बहुत अच्छे से समझ के रखिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है आपको, और ऐसे टाइम एंड वर्क टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब लैंग्वेज पे ही डिपेंड करते हैं। कह रहा है एक निश्चित कार्य का 3/8 / 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य के 80% भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, शेष कार्य को सी ने अकेले 6.5 दिन में पूरा किया,
तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए ए 3/8/9 दिन में करता है। अगर 3/8/9 दिन में करता है तो ये पूरा काम आपका जो ए करेगा 8 से 24 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। ऐसे ही अगर आप बी का देखेंगे तो बी कर रहा है 80% का, मतलब 4/5 काम कर रहा है 16 दिन में, तो ये पूरा काम करेगा आपका 20 दिन में। तो बी पूरा काम करता है आपका 20 दिन में। तो आप यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क तो कितना आ गया 120, 24 × 5 = 120 और 20 × 6 = 120। अब इन दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, तो एक दिन में कर रहे हैं 11, तो 5 दिन में कितना कर लिया 55 काम। 55 काम हो गया तो बचा कितना 65 काम जो बचा है वो सी ने किया 6.5 दिन में, 6.5 मतलब 13/2 दिन में। तो जो सी की क्षमता आई 13/65, 5 × 10, सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 10। अब आपसे कह रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क था ए और बी 120 और ये कराना किससे है, ए और सी से। तो सी की क्षमता 10, ए की 5, 10, 5, 15 क्षमता से 120 काम जो होगा वो हो जाएगा आपका 8 दिन में। तो इस क्वेश्चन का भैया जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत प्यारा सवाल, जिसको लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है उनका बिल्कुल गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, आराम से बनाइए। क्वेश्चन बहुत ठीक है, बहुत ठीक का मतलब हाँ एक बार है कि आप अगर अच्छे से लगाएंगे तो गलती कभी नहीं होगी। अगर आपने जरा सा भी ऊपर नीचे, क्योंकि 2 या 3 मिला दिए, पहले आप ये बताइए फिर ये बताइए, यहां से टोटल वर्क निकालिए, 5 दिन किया, पहले सी का एफिशिएंसी निकालिए, फिर ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन में है। बहुत देखने लायक क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं आप इसको। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 8 नंबर कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए फिर बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 14.5% और 10.2% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य, कि अगर 14.5% की जगह उसको अगर हम 10.5% का छूट देते ना तो जो उनके सेलिंग प्राइस का अंतर है वो 48 है। तो अगर इस इतनी छूट, मतलब इन दोनों की जो छूट का डिफरेंस है वो हमको दिख रहा है 4%, तो अगर हमको 4% का वैल्यू 48 रुपए दिख रहा है तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 12। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इसका एमआरपी जो रहा होगा 100% उसका वैल्यू रहा होगा 1200। एमआरपी कितना रहा होगा 1200 रुपए। कह रहा है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25%, तो हमको एमआरपी जो मिल गया वो 1200 रुपए मिल गया, और कह रहा है जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, कह रहा है कि 25% ज्यादा है। तो सीपी अगर 4 होगा तो एमआरपी 5 होगा, और एमआरपी आपको सवाल में गिवन है 5 का वैल्यू 1200। तो जैसे ही आप देखेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 24 × 5 = 120, 240, तो 4 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा 960 रुपए। तो इस क्वेश्चन में जो सीपी पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 960 रुपए। फिर से समझिएगा, इन दोनों ये दोनों जो दे रखे हैं ये डिस्काउंट के परसेंटेज के डिफरेंस दे रखे हैं, तो यहां से जो इनका अंतर है वो 4%। इस 4% का वैल्यू हमको सवाल में पता है कि 48 रुपए है। अगर 4% का वैल्यू 48 रुपए है तो 1% का जो वैल्यू हुआ वो हो गया आपका 12, तो 100% का वैल्यू मेरा एमआरपी जो मिला हमको यहां से, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है एमआरपी पे, तो ये जो डिफरेंसेस के बाद जो रेट आएगा वो भी क्या आएगा एमआरपी। तो एमआरपी मिल गया आपको 1200 रुपए। आपसे बता दिया गया है कि जो एमआरपी है वो सीपी से 25% ज्यादा है, 25% अधिक है, तो 4 से 5 अगर सीपी 4 है तो एमआरपी 5, 5 का वैल्यू पता है, सीपी निकाल लीजिए। बहुत प्यारा सवाल, आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि क्या कह रहा है। कह रहा है 7 फीट लंबे लड़के की छाया 21 है, तो कितने फीट लंबे लड़के की छाया 15 फीट हो गए। देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें पेन चलाने की जरूरत है, फिर भी हम बता देते हैं कि 7 फीट की छाया अगर 21 फीट है तो 15 फीट छाया कितने की होगी, 5 फीट वाले की। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा कभी कैलकुलेटिव आ जाता तो 7 फीट की छाया कितनी देर रखी है, 21 फीट, ये 7 फीट वाले की छाया उसके नीचे गिर रही है, तो कितने फीट वाले लड़के की छाया 15 फीट होगी ये आपको बताना है। तो आप यहां से काटेंगे 7 × 7 = 21, 3 से काटेंगे 5, तो जो x का वैल्यू आ गया वो आ गया 5 फीट। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से करिए, अगर आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत भी पड़ रही है तो आप इस तरीके से करिए, 5 फीट ये आ गया आपकी x का वैल्यू, जो आपकी कितने मीटर लंबे लड़के की छाया होगी, तो आंसर आ जाएगा 5 फीट। पेन मत चलाइए, बिना पेन चलाए करिए, सवाल में कुछ है नहीं आपका। ये 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त
कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 1,128.60 रुपए है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 1,080 है। तो समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो सवाल बहुत बेहतर है। आपको 2 साल का सीआई पता है और 2 साल का एसआई पता है, सेम मूलधन पे, सेम दर पे और सेम टाइम के लिए, और आपसे पूछा क्या गया है 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो अगर आपको 2 वर्ष का एसआई पता है 1,080, तो हम ये कहते हैं कि 540 और 540 ये 2 साल का एसआई हो गया। अगर आपको 1,128.60 रुपए ये आपको पता था कि सीआई है और 1,080 अगर आपको ये पता था एसआई थे, तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिल गया 48.60 रुपए 48.60 रुपए ये आपको देखने को मिल गया 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर हम चाहें तो यहां से हमें ब्याज की दर देखने को मिल सकती है, तो ब्याज की दर देखने को मिलेगी तो सारे समझदार लोगों को ये दर दिखाई देगी 9%। कैसे दिखाएगी हम आपको बता देते हैं कि 48.60 रुपए ब्याज मिल रहा है हमको 540 रुपए पे, तो ब्याज की दर कितनी होगी इंटू 100, 1 वर्ष, ये एक तरीके से इसी दर पे ब्याज होगा। तो जैसे ही आपने दशमलव से जीरो हटाया, जीरो से जीरो हटाया, ये 9 बार में खत्म, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 और 3 48, तो ब्याज की दर कितनी होगी 9%। तो अब अगर देखेंगे 3 साल के सीआईएसआई का अंतर, यहीं से बढ़ाइए ना आगे, ये 540 अब 48.60 रुपए को डबल कर दीजिए, 0 2 6 12 हाँ से लगा 1 2 8 16 और 1 17 हाँ से लगा 1 2 4 8 और 1 9 97.20 रुपए ये हो गया। अब इसी पे 9% का ब्याज और देख लीजिए, तो 9 6 54 हाँ से लगा 5 9 8 72 5 70 हाँ से लगा 7 9 4 36 और 7 43, तो 4 रुपए 374 पैसे ब्याज ये और हो गया। तो ये मिला आपको 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर, इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे 48.60 रुपए 97.20 रुपए और यहां से देखेंगे 97.20 रुपए और 4 रुपए 374 पैसे, जैसे ही आपने जोड़ा तो ये 4 7 6 3 9 2 11 हाँ से लगा 1 8 7 15 4 19 और 1 20 हाँ से लगा 2 9 4 13 और 2 कितना हो गया 15, 150 रुपए 174 पैसे। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, 4th ऑप्शन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहीं से दिमाग लगा लीजिए तो आप यहीं से सीआईएसआई का अंतर देख ले जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर है, इसका डबल कर दिया और इसका 9% और निकाल लिया और उठा के सबको जोड़ दिया, तो ये 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर कितना आ गया 150 रुपए 174 पैसे 150 रुपए 174 पैसे। तो इसका आंसर हो गया वो 4th ऑप्शन हुआ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 पे। तेरह के पहले 5 गुणज, तो देखिए 13 के जो पहले 5 गुणज होंगे वो होंगे 13 26 39 52 और 65। मैं बता रहा हूं कि इसको बिना पेन चलाए किया जा सकता है, लेकिन हम आपको फिर भी करके दिखा रहे हैं। और ये सारे एपी में दे रखे हैं, तो जो बीच वाला नंबर होगा वही तो इसका एवरेज होगा, तो जो औसत आ गया वो कितना आ गया 39। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे पहले 5 गुणज कहे गए थे तो आपको पता था जो एवरेज होगा वो 3रा गुणज होगा, तो 13 का जो 3रा गुणज होगा वो क्या होगा 39 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर कह देता 13 के पहले 17 गुणजों का औसत, तो 17 गुणजों का औसत देखना है तो 1 और 17 को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो जो 13 का 9वां गुणज होगा वही 13 का एवरेज होगा, तो क्या हो जाएगा 117। तो ऐसे सवालों में टाइम नहीं लेते हैं। तो अगर आपसे कहा गया था 13 के पहले 5 गुणजों का औसत, तो 1 और 5 को जोड़ लीजिए 6 और उसका आधा कर दीजिए 3, तो जो 13 का 3रा गुणज होगा वो उसका एवरेज होगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो 39। मैंने लिख के दिखा दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पे, क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी, उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और 15% की छूट देकर कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो देखिए इस पे चाहिए तो 50,000 रुपए में खरीदी और क्रय मूल्य से 20% अधिक किया अंकित किया, चाहिए तो आप 50,000 को यूज करिए, नहीं चाहते तो मत यूज करिए। देखिए क्या कह रहे, मान लीजिए कि उसने 100 रुपए इसका मूल्य था और 20% अधिक मूल्य अंकित किया तो 120 रुपए अंकित मूल्य हो गया और इस पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर 120 पे 15% का डिस्काउंट देखेंगे तो 120 का 15 हो जाएगा 18, तो डिस्काउंट तो बेच कितने का दिया 102 का,
तो 100 की चीज अगर 102 की बेची तो फायदा कितने का हुआ, 2% का प्रॉफिट। तो जो आंसर हो गया वो आपका फोर्थ ऑप्शन। तो 50,000 का कोई यूज नहीं भी करेंगे तो भी आंसर हो जाए आ जाएगा। फिर से समझिएगा ऐसे सवालों में करना क्या है। कह रहे कि उसने सीपी से 20% अधिक अंकित किया, तो सीपी अगर 100 मान लिया थोड़ी देर के लिए, 20% अधिक अंकित किया तो इसका एमआरपी कितना हो गया, वो हो गया आपका 120। अब एमआरपी पे इसने 15% का डिस्काउंट दिया, तो 120 पे अगर 15% का डिस्काउंट देगा तो ये हो जाएगा 18 रुपए। तो अगर 18 रुपए देगा तो इसको काट दीजिए 5 × 10, 5 × 3 = 15, 2 × 6 = 12। अगर 18 का डिस्काउंट दिया 112 पे तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 102। कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस हो गया 102, तो फायदा कितने का हो गया, 2% का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन। 50,000 रुपए का यूज मत करिएगा, करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे आप इसके अपेक्षा। तो जब आपको यूज करना ही नहीं है क्या फायदा उसको, 50,000 की जगह 35,000 देता, 3500 देता, 35 रुपए देता, आपको उसके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है समानुपात। इसका मतलब क्या होता है कि पहले चौथे का गुणा और दूसरे तीसरे का गुणा। तो ये 3x बराबर आपको दिख रहा है 8 × 0.45। अब 0.45 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 0.15, 15 × 3 = 45, और 15 × 8 = 120, 120 आया, और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो जो x का वैल्यू आ गया वो 1.2। फोर्थ ऑप्शन देखिए, बहुत आसान सवाल है कि पहले चौथे का गुणा और दूसरे तीसरे का गुणा आपस में बराबर होता है। रीजन क्या होता है वो ये कि 0.45 upon x = 3/8। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं रीजनिंग का दिमाग लगाने लगे आप यहाँ पे। ये था मैथ का क्वेश्चन और जिसमें पहले और चौथे का गुणा होता है और दूसरे तीसरे का गुणा होता है प्रपोर्शन में, अनुपात समानुपात में। कह रहे एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सही करिए, 15% होगा, ठीक है। कह रहे एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कह रहे हैं कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा, ठीक है। मैंने मान लिया सीपी 100 था, 20% हानि का मतलब हमें 80 वाले का रेट पता है, और 15% की लाभ मतलब हमें 115 वाले का रेट बताना है। तो आप इसको क्या करें, चाहे तो इसको 80 का वैल्यू 340 हमको पता है, 115 का बताना है। तो एक यूनिट का वैल्यू जब देखेंगे, 8 × 32 बचा 2, जो 2 है वो 8 का 1/4 होगा, तो 4.25 ये आ गया। अगर 4.25 आ गया तो आप 115 × 4.25 कर लेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए आप ये करेंगे, आप यहां से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 का जैसे ही 4 गुना किया तो ये हो गया 460 हो गया। अब 25 पैसे का गुणा, आप 25 पैसे का निकालना है तो आप क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए इसको, तो 4 × 2 = 8 बचा 3, 35 हो गया, 4 × 8 = 32, 28.75। तो देखिए ये और ये आंसर तो होने से रहे, जैसे जोड़ेंगे तो 8 × 6 = 2 = 8, 488 रुपए 75 पैसे। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया सेकेंड ऑप्शन। देखिए कैसे गुणा किया है, एक बार ध्यान लगाइएगा कि पूरा 425 का गुणा करने में टाइम लेंगे, तो 4 का गुणा कर दिया 460 हो गया, 0.25 का मतलब 1/4, 1/4 का गुणा करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दिया, पर ये दोनों जोड़ दिए, यहां से आसानी से गुणा हो गया, आ गया 488 रुपए 75 पैसे। और मेरी एक छोटी सी बात का ध्यान दीजिए, और इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार आप यहां से डिजिटल सम से चेक कर सकते हैं कि अगर किसी भी दो के डिजिटल सम सेम नहीं है तो आप डिजिट सम से भी इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहे कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, तो उसकी धारिता बतानी है, मतलब वॉल्यूम बताना है। तो 50, 25 और 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है सवाल में, 5 × 20 ये हो गया 200 × 25 करेंगे, 25 × 2 = 50 और 2 जीरो पहले से थे, 5000 m³ ये तालाब की धारिता आ गई। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ना के बराबर, बहुत सरल सवाल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, LBH आसानी से कर सकते थे। 16 नंबर देखिए, कह रहे एक वर्ग का परिमाप 64 दे रखा है, एक वर्ग का परिमाप अगर 64 दे रखा है तो जो आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है वो 4a आपको दे रखा है 64। अगर 4a 64 है तो a कितना हो जाएगा 16। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 cm² कम है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर अगर 256 है और इससे 16 कम कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल गया एल इंटू बी, वो मिल गया हमको 240। अब कह रहा है यदि आयत की लंबाई 20 है तो आयत का परिमाप, लंबाई अगर 20 है आयत की तो चौड़ाई यहां से देखेंगे आप तो आप देख ले जाएंगे कि कितनी आ गई 12, तो चौड़ाई मिल गई 12। लंबाई 20 पता थी, चौड़ाई 12 पता है, तो अब आप लगा सकते हैं 2 टाइम्स एल प्लस बी, तो 20 12 को जोड़ेंगे 32 का डबल 64 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और वैल्यूज का खेल है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको वर्ग का परिमाप पता था, क्षेत्रफल 256 निकाल लिया, उसमें 16 कम किया तो 240 हो गया आपका आयत का परिमाप, और वहां से सॉल्व करके आपने आयत की चौड़ाई निकाल ली और टू ब्रैकेट में एल प्लस बी आयत के परिमाप के फॉर्मूले से आपने बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हुआ बेटा कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। फिर से मैं कह रहा हूं कि मैंने जितने भी अभी तक आपके सेट कराए हैं आप हर सेट को बहुत प्यार से लगा के एग्जाम में जाइए, 90% 94% 95% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। इस वजह से इन सभी पे बहुत अच्छे से काम कर लीजिए प्रीवियस ईयर सेट्स पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है सवाल में कि, और उनका एवरेज पता है तीनों संख्याओं का हमको 60, तो तीसरी संख्या बतानी है। पहले पहली दूसरी संख्या के बारे में देख लेते हैं कि जो लाइन कह रहा है उनको फॉलो करा लीजिए। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी, तो तीसरी संख्या अगर दो है इसकी आधी ये एक हो गई और पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी तो ये तीन हो गई। इन तीनों का औसत देखेंगे तो 3 2 5 1 6 6/3 हमको पता है सवाल से 60, तो यहां से आपने 3 से काटा 2, 2 से काटा तो ये 30, एक यूनिट का वैल्यू हमको 30 देखने को मिल गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, 30 दुना कितनी होगी 60, तो हमसे जो तीसरी संख्या पूछ रहा है उसका आंसर कितना आ गया 60। फिर से देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप इनका रेशियो बना लीजिए। कह रहे पहली संख्या दूसरी की तीन गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, तो तीसरी को 2 माना और उसका आधा किया तो दूसरी संख्या 1 आ गई, और 1 का 3 गुना कर दिया तो पहली संख्या 3 आ गई। इन तीनों का औसत 3 2 5 1 6/3 हमको 60 पता है, तो एक यूनिट का वैल्यू 30 पता चल गया, तो 30 × 60 हमसे पूछ रहे तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमको जो मिल गई वो मिल गई 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5427 रुपए दे रखा है। तो देखिए 6 वर्ष कुल ब्याज दे रखा है, तो अगर आप देखेंगे 9% 9% का मतलब मूलधन अगर आपने 100 रुपए मान लिया है थोड़ी देर के लिए, तो 9% ब्याज दर पर अगर आप 6 साल का 9% ब्याज की दर पर अगर आप 6 वर्ष का ऐसा ही देखेंगे तो 1 साल का 9 तो 6 साल का 54 रुपए, इस 54 का वैल्यू जो सवाल में गिवन है वो 5427 रुपए दे रखा है। तो अब आपको ये बताना है कि वह धनराशि कितनी होगी, तो आप 27 से काट लीजिए, 27 × 54 इसको काटेंगे 27 × 54, अब जब दो बार चला गया उसके बाद भाग देंगे तो जाएगा नहीं, 27 × 27। एक काम करिए कि 50 का गुणा इधर कर लीजिए और 50 का गुणा इधर कर लीजिए, तो जैसे ही आप 50 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 0, 5 × 2 = 10 और 1 0 बढ़ गया, तो जो आपका मूलधन आ गया वो आ गया 10050, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन, और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि आपने मूलधन को 100 रुपए मान लिया थोड़ी देर, 9% ब्याज की दर से 6 साल का ब्याज हो गया 54, यहां से 54 और सवाल से 5427 दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारा क्या हो गया 18 नंबर में मूलधन आ गया और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखिए क्या कह रहे, पढ़िएगा अच्छे से कि 13,540 रुपए की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से पर 8 वर्ष के पश्चात जो आपको दे रखा है 8% की दर से 5 वर्ष का जो 8% की दर से 5 वर्ष के पश्चात कमल का हिस्सा का मिश्रण और 7 वर्ष पश्चात सुनीता के हिस्से का मिश्रण बराबर है, तो अगर आपसे ये दे रखा है तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाता है तो कमल का हिस्सा बताना है। तो देखिए एक को दिया जा रहा है 5 साल का अमाउंट और दूसरे को दिया जा रहा है 7 साल का अमाउंट, और ब्याज की जो दर दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने 8%, और अमाउंट बराबर कह रहे, मिश्रधन बराबर कह रहे,
और ये जो केस बना रहा है ये बना रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 8% का मतलब होता है 25 से 27, और इनके बीच का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 2 साल, तो पावर में चला दीजिए 2-2, ये हो गया आपका 625 और ये हो गया आपका 729। तो जो 8 साल का ब्याज मिला है ये मिला है 8 कमल का हिस्सा है, ये है आपका कमल का हिस्सा, और ये दे रखा है सुनीता का हिस्सा, सुनीता का हिस्सा दे रखा है। ठीक है, आप एक मेरी बात का ध्यान दीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट में एक बात याद रखिए, देखिए जिसको कम टाइम का ब्याज मिला है ना उसको पैसा ज्यादा मिला होगा, तो आप क्या कह दीजिए कि जो कमल को पैसा मिला होगा वो मिला होगा 729 और जो सुनीता को मिला होगा वो मिला होगा 625। ये मूलधन है, इनके मूलधन के अनुपात आ गए, यहां से टोटल पैसा हो रहा है, जैसे जोड़ेंगे तो 29 और 25 54 और 7 और 6 13, 1354 और सवाल से टोटल पैसा दे रखा है 13,540। तो एक यूनिट का वैल्यू आप देखेंगे 10 और आपको कमल का हिस्सा बताना है, तो 729 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7,290 रुपए। तो जो कमल का हिस्सा आ गया वो आ गया 7,290 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन हुआ वो फर्स्ट। देखिए ये मुझे लगा कि अभी तक इस सेट का सबसे प्यारा क्वेश्चन था, अगर किसी को लॉजिक नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, फंसे रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुत आसान, ना कैलकुलेशन टफ है ना कुछ है, बट अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो फिर फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 एक अच्छा सवाल, जहां पे अगर आपको सही से पॉइंट पता है तो बिल्कुल, ये पी बराबर दे रखा है आपको ए क्यू बी की पावर 5 सी की पावर 11 क्यू स्क्वायर टू, जो आपको पता है ए की पावर 8। देखिए मैं यहां लिख के दे रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, ये सी की पावर 5 क्योंकि मैं समझाने वाला हूं इस वजह से लिख दे रहा हूं आपको, ए की पावर 15 और सी की पावर 23। हमको पी क्यू आर का एच सी एफ चाहिए, तो जब आप एच सी एफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि सम में कॉमन क्या है, तो अगर आप ए की पावर सम में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ 3 पावर है जो सम में कॉमन दिख रही है, और बी की पावर तो सम में कॉमन ही नहीं है, और सी की पावर जो सम में कॉमन है वो 5 है, तो जो इसका एच सी एफ आ जाएगा वो आ जाएगा ए की पावर 3 और सी की पावर 5, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए की पावर 3 और सी की पावर 5। इन केस इसका एलसीएम निकालना होता, अगर इसका एलसीएम निकालना होता तो जो ए की सबसे मैक्सिमम पावर होती है तो वो देखते हैं, तो ए की पावर 15 और बी की सबसे मैक्सिमम पावर होती है तो बी की पावर 9 और जो सी की मैक्सिमम पावर होती है तो सी की पावर 23। ये तब करते जब हमको इसमें एलसीएम निकालना होता, तो आंसर इसका आ जाता सेकंड ऑप्शन, बट हमें एलसीएम नहीं क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, जो इसका आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, आराम से पढ़ के बनाने की कोशिश करिए। कह रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 265, 580 और 825 को भाग दिए जाने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल हो जाए। जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन बने 265, 580 और 825 को भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल हो जाए, ऐसे कई सेटों में इस तरीके का क्वेश्चन भी आया है कि जब प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे तो पहले से दूसरी को, दूसरे से तीसरी को और तीसरे से पहली संख्या को घटा के इनका एचसीएफ लेते हैं। तो जैसे ही आपने इसको घटाया तो 10, जैसे यहां से घटाएंगे तो 15, 65 और 15 हो गया 80, 280 और 300, तो ये आ गया 315, इससे इसको घटाया। अब इससे इसको घटाएंगे तो ये बचा 5 और 5 के बाद 12 में 8 गया 4, 7 में 5 गया तो 245। अगर पहले और आखिरी को घटाएंगे तो 5 5 10 यहां से लगा 1, 4 1 5 1 6 और 3 2 5 560। अब देखेंगे कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, तो जब आप देखेंगे, देखिए देखने के तरीके बहुत सारे हैं बट मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूं आपको कि इनका जो आप अंतर देख पाएंगे वो देख पाएंगे कि 45 इधर से और 55 वहां से और 15 यहां से, 55 और 15 हो जाएगा 70, 70 इनका जो अंतर देख रहे हैं वो 70 देख रहे हैं। अगर आप इनका अंतर 70 देख रहे हैं तो देखिए 2 से तो ये कट नहीं रहा है, तो 2 की वैल्यूज को निकाल के किनारे करिए तो बचा कितना 35। देखिए 35 से काटेंगे तो 9 बार में, 35 से काटेंगे तो ये 7 बार में, 35 से काटेंगे तो ये आपका ये भी कट जाएगा लगभग 35, 7 पना 35 16 बार में, तो ये तीनों अगर 35 से कट रहे हैं तो जो इनका एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 35। देखिए यहां से और कैसे सोच सकते थे, देखिए 55 45 आंसर तब होता है जब तीनों 9 से कट रहे होते, ये 9 से कट रहा है बट ये 9 से नहीं कट रहा तो 45 आंसर नहीं हो सकता। 25 जब तीनों 25 से कट रहे होते, 55
अगर कोई तीनों 11 से कट रहे हो तो नहीं कट रहा है, 35 का मतलब 5 और 7, और 5 और 7 से तीनों पूरे पूरे कट रहे हैं। तो इतना करने के बाद अगर आप एचसीएफ नहीं निकालना चाहते तो बाय द ऑप्शन भी देख सकते थे, बाकी अगर निकालना चाहते तो दो नियरेस्ट का डिफरेंस करके हमने देख लिया कि 70 आया और 70 दो से नहीं कट रहे, दो से ये कट नहीं रहे, तो 35 जो बचा हुआ उससे तीनों से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हुआ वो बेटा हुआ थर्ड ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखिएगा 22 क्या कह रहा है। कह रहा है ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। अब कह रहा है कि ए की हानि बी के लाभ के कितने, अच्छा ए की हानि आपको पता है 2460 रुपए, ए की हानि हमको पता है 2460 रुपए, तो 2460 रुपए का 2/3 ये हो गया आपका 820, 820 का डबल 1640। कह रहा है ए की हानि का 2/3, तो ये हो गया ए की हानि और बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। तो अब ये जो 1640 है ये बी के लाभ के 5/7 के बराबर है, तो बी के लाभ के 5/7 के बराबर है, तो यहां से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1640 इंटू 7/5। ये तो यहां से जैसे ही आपने निकाला तो ये 5 3 15 यहां से लगा 1 और 5 2 10 5 8 40 7 8 56 7 21 ठीक है, 7 8 56 हाथ से लगा 5 और 7 2 14 और 5 19 हाथ से लगा 1 7 21 और 1 22 ये आ गया 2296। और ये हो गया आपका 2296 और ये दे रखी थी ए की हानि, दे रखी थी 2460। ये आ गया बी का लाभ और ये आ गया ए की हानि। कह रहा है ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये दे रखा है आपको 2460। ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ए की हानि है 2460 और बी के लाभ का कितने प्रतिशत है, तो ये है 2296 इंटू 100। तो जो भी आंसर आएगा, और ये बताना है दशमलव के कुछ अंकों तक, तो जो भी आंसर आएगा वो 100 से बड़ा ही आएगा क्योंकि डिवाइड करेंगे तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, अगर ये किसी पहाड़े से कटेगा तो काट लीजिए इसको, बड़े पहाड़े से तो नहीं कट रहा, छोटे पहाड़े से ही काटते हैं, 4 5 20 और बचा आपका 4 5 20 2, तो ये हो गया आपका 4 7 28 4 4 16 इसको काटेंगे, 4 5 24 615। देखिए क्या और किसी पहाड़े से कट रहा है, ये 6 5 7 5 12 12 4 16 7 से नहीं कट रहा, चलिए भाग देते हैं इसको। किसी पहाड़े से, अगर बड़े पहाड़े से कट जाता है तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा, 3 नहीं कट रहा तो भाग देते हैं, ये कितना हो रहा है और ये हो गया 574। जब डिवाइड करेंगे तो ये पहले एक बार देगा 574, तो 5 में 4 गया 1 और 5 11 में 7 गया 4 और ये हो गया 410, 410 हो गया, तो अब भाग जाएगा नहीं, तो फिर एक जीरो उतार लेंगे तो ये 7 बार गया, 7 4 28 हंस लेगा 2, 7 7 49 तो 51 हंस लेगा 5, 7 5 35 5 40। तो अब ये बचा आपका 10 में 8 गया 2, यहाँ पे बचा 9, 9 में गया 8, ये यहां तक बचा, दशमलव लगाएंगे जीरो उतारेंगे तो दो बार में ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो 22 का जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन, देखिए पूरा सवाल करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी जो यहां से कट रही हो, तो जो इसका आंसर आया वो क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, क्या दे रखा है, देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, वैल्यूज देखिए, देखिए क्वेश्चन को बहुत लेंथी देकर दिया गया है, बट अगर आप वैल्यूज अच्छे से देखेंगे तो गलत नहीं होगा, आप करते जाइए। क्या दे रखा है, 2 × ये देखिए पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे 7 और फिर 14 4 56 हो गया और 7/ कितना कर देते हैं 56 क्योंकि डिवाइड लगा हुआ है, माइनस आप देखिए 5 डिवाइड आपको दे रखा है 4 और इनटू अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो वो हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 2 नहीं करेंगे, ये पीछे से ये भी दे रखा है नीचे साइड, तो 2 माइनस 2 से 2 6 12 तो प्लस 2 माइनस कितना कर दीजिए उससे पहले, सॉरी और भी दे रखा है, इसको नोट ही कर लीजिए ना, बाद में इसको नेक्स्ट स्टेप में हल कर लीजिएगा, बाकी वो इधर रखा है क्योंकि 2 माइनस 2 इंटू 6 और डिवाइड 8 3 24 तो 6/ कितना हो जाएगा 24, 8 3 24 पहले ऑफ सॉल्व कर लिया और 6/24 कर दिया तो ये हो गया आपका। तो यहां से हल करेंगे
तो 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 56, ये हो गया 1/4। माइनस इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये प्लस का हो जाएगा 5/2, और ये प्लस हो गया 2 − 1/2, 1/2। यहां से जब आप इसको हल करेंगे तो 5/2 में 1/2 घटाएंगे तो 4/2, अब 5/2 में 1/2 घटाएंगे तो 4/2 का मतलब 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर आ गया 4 सही 1/4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो आंसर आया थर्ड ऑप्शन। फिर से देखिएगा, कुछ नहीं, फॉलो करिए बॉडमास को फॉलो करेंगे, ये कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, बस केवल आप याद रखिए कि बॉडमास गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया? थर्ड ऑप्शन, 4 सही 1/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक एक सवाल को बच्चा बहुत प्यार से लगाओ, कि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते हैं। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है, आप पहले अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर लीजिए, इतना सारा क्वेश्चन लगा लीजिए, इतना मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए कि कभी भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आपको नया लगे ही नहीं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक सामान चाल से चलाता है, 330 किलोमीटर की दूरी स्थित पर पहुंचते हैं 30 मिनट देरी हो जाती है, तो समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी कार की स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए? तो देखो भाई, एक्चुअल हुआ क्या है इसके साथ वो देख लीजिए, कि इसको ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, 30 मिनट की देरी से पहुंचा, तो 330 किलोमीटर की दूरी उसने 60 की चाल से 5.5 घंटे में तय की है, 5.5 आवर में, 5.5 घंटे में तय की, तो ये आधे घंटे की देरी से पहुंचा, तो 5.5 घंटे में पहुंचा, जब आधे घंटे की देरी से हो गया तो उसे पहुंचना था 5 घंटे में, तो अगर उसे समय पे पहुंचना है तो उसको कहीं ना कहीं यहां से इसके समय का अनुपात देखेंगे तो 11:10 हो गया, तो उसको उसकी चाल का अनुपात कितना करना पड़ेगा? 10 से 11, तो उसको जो चाल इंक्रीज करनी पड़ेगी वो 1/10 × 100 करनी पड़ेगी, तो कितने प्रतिशत चाल इंक्रीज करेगा कि वो समय से पहुंच जाए? तो अगर वो 10% चाल इंक्रीज करता है तो वो समय से पहुंचेगा, क्योंकि 5.5 घंटे में पहुंचता है तो वो लेट हो जाता है, तो अगर उसको इंक्रीज करनी है तो देखो इसके समय का अनुपात जो टाइम का रेशियो हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 11 से 10, तो अगर इसको स्पीड इंप्रूव करनी है तो कितनी इंप्रूव करनी होगी? 10 से 11, 10 से 11 का मतलब 10%। आप इस तरीके से आसानी से देख सकते हैं, मतलब 5.5 घंटे में पहुंचना था, आधे घंटे की देरी होगी तो उसका एक्चुअल पहुंचना 5 घंटे में था, तो अगर उसको वही दूरी 5 घंटे में तय करनी है तो उसको स्पीड अपनी इंप्रूव करके करनी होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटे। खैर वो नहीं पूछा, ये पूछा कितनी इंप्रूव करेंगे, तो यहां से आसानी से देख सकते हैं कि कितनी स्पीड इंप्रूव करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं 25 नंबर पे, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 120 किलोमीटर और 180 मीटर लंबी, सॉरी 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, एक दूसरे की ओर आ रही है तो देखिए रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, और दोनों रेलगाड़ियों की बात करें तो लंबाइयां भी जुड़ जाएंगी, तो टोटल लंबाई हो गई 300 मीटर और जो रिलेटिव स्पीड हो गई 34 और 32 जोड़ेंगे तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। अब इसको जैसे ही काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 से काटा 11, ये हो गया आपका 6 × 5 = 30, 50, 5 से काटा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 180/11 सेकंड में आपस में मिलेंगी। ऐसे कोई ऑप्शन दे रखा है आपको? तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, इसका 25 का, तो इसका आंसर आ गया 180/11 सेकंड। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, लेकिन आज के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले इस सेट में वो पिछले प्रीवियस सेट से काफी इजी लेवल में देखने को मिले। यही होता है एसएससी के पेपर्स में कि कोई पेपर बहुत अच्छी लेवल पे आता है और कोई पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप इस चीज का याद रखें कि आप सारे पेपर्स को, इसी वजह से कह रहा हूं कि मैं, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर सेट्स लगा सकते हैं, कोशिश करिए उतने ज्यादा लगा के पेपर देने जाएं। बहुत कम टाइम बचा है कुछ लोगों के पास पेपर में, तो हो सकता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो और आज हमने जो वीडियो कराया है इसमें आप देखें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए और उसको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।